जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और बल्लेबाजी कोच रहे संजय बांगर के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। संजय बांगर का जन्म 11 अक्टूबर 1972 को महाराष्ट्र के बीड से 25 किलोमीटर दूर स्थित गांव भायला में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा औरंगाबाद से प्राप्त कर क्रिकेट के सपने पूरे करने के लिए मुंबई नगरी का रुख किया। संजय बांगर उन क्रिकेटरों की जनरेशन में से आते हैं जिन्होंने 1983 की भारतीय विश्व कप विजय के बाद क्रिकेट में अपना करियर बनाने का लक्ष्य रखा था। 1993 में संजय बांगर ने 21 साल की उम्र में रेलवे के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह रेलवे में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की शुरुआत करते थे और बाद में टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक बन गए। बांगर ने 1996 में बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेलते हुए हैदराबाद में 3 दिवसीय मैच में इंग्लैंड की टीम के 5 विकेट लिए थे। बिल्कुल बेजान पिच पर उनकी गेंदबाजी चयनकर्ताओं को उनके चरित्र और क्षमता के बारे में समझाने के लिए काफी साबित हुई। घरेलू क्रिकेट में रेलवेज के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे संजय बांगर को आखिरकार 2001 में इंग्लैंड के भारत दौरे के लिए टेस्ट टीम में जगह दी गई। मोहाली में पहले टेस्ट के दौरान बांगर का पदार्पण हुआ। 10 विकेट से जीते गए इस आसान से मैच में बांगर ने 36 रन की पारी खेली और केवल 5 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं लिया। अपने दूसरे ही टेस्ट में संजय बांगर ने अपनी बल्लेबाजी का कौशल दिखाते हुए नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर जिम्बाब्वे के विरुद्ध नाबाद शतक बनाया और भारत को 570 के स्कोर तक पहुंचाकर पारी से जीत सुनिश्चित की। संजय बांगर भारतीय क्रिकेट इतिहास में रणजी ट्रॉफी में 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने। ये रिकॉर्ड वे महान विजय हजारे के साथ साझा करते हैं। टेस्ट में बल्ले के साथ बांगर का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन 2002 में हेडिंगले में इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए खेली गई 68 रन की पारी है। उनकी पारी ने बाकी बल्लेबाजों को एक बड़ा स्कोर पोस्ट करने का मंच प्रदान किया और भारत ये मैच एक पारी से जीत गया। संजय बांगर ने 2002 से 2004 के बीच 15 एकदिवसीय मैचों में भारत के लिए शिरकत की, लेकिन वे बल्ले और गेंद दोनों के साथ ही विफल रहे, जहां उन्होंने 14 से कम के बल्लेबाजी औसत से 180 रन बनाए, वहीं 54 से अधिक के गेंदबाजी औसत से सिर्फ 7 विकेट ही ले पाए। संजय बांगर को 2003 एकदिवसीय वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दल में जगह भी दी गई थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन बांगर को एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला। कम ही लोगों को ये ज्ञात होगा कि संजय बांगर ने आईपीएल में बतौर खिलाड़ी भी क्रिकेट खेली है। 2008 के पहले आईपीएल सीजन में उन्हें डेक्कन चार्जर्स की टीम ने 12 लाख के बेस प्राइस में अपने दल का हिस्सा बनाया था। इसके बाद बांगर को केकेआर ने भी अपनी टीम में शामिल किया था। 2009 आईपीएल में बांगर केकेआर की टीम का हिस्सा थे, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली और कोच जॉन बकनन से मतभेद के चलते केकेआर ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए बांगर को दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे टूर्नामेंट के बीच में ही भारत लौटाकर उनका करियर भी खत्म कर दिया था। जनवरी 2014 में बांगर को आईपीएल 2014 से पहले किंग्स 11 पंजाब का सहायक कोच नामित किया गया था। बाद में उन्हें सीजन के दौरान मुख्य कोच के रूप में पदोन्नत किया गया और उनके अंडर किंग्स 11 पंजाब की टीम फाइनल तक पहुंची, जहां वे कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गए। 2014 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर बेहद शर्मनाक प्रदर्शन के बाद संजय बांगर को भारतीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। पहले अनिल कुंबले और फिर हेड कोच रवि शास्त्री के साथ बांगर ने 2019 तक भारतीय टीम के साथ काम किया और उनके टेन्योर में भारत ने कई महत्वपूर्ण प्रदर्शन और रिकॉर्ड भी बनाए। 2019 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद बांगर को इस कारण से हटाया गया कि वे नंबर 4 पर एक सॉलिड बल्लेबाज नहीं बना सके। हालांकि ये काम बल्लेबाजी कोच की जगह चयनकर्ताओं का था। आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने संजय बांगर को बैटिंग कंसल्टेंट के रोल में अपने दल का हिस्सा बनाया। ये था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।